तो ये है कि आज नेदरलैंड ने श्रीलंका को बीट कर दिया है, ये सबसे बड़ी शिकस्त है श्रीलंका के लिए। बड़ा सेंट है कि श्रीलंका को वर्ल्ड कप बहुत करीब है। पूछना चाहूंगा, मेरे साथ मौजूद है मेरे बड़े अच्छे दोस्त इनाम। इनाम, आपको क्या लगता है कि और अब अच्छा कल हमारा पाकिस्तान का दोबारा T20 मैच, फोर्थ T20 मैच, क्योंकि अभी दो टीम 20 मैच में दो बारिश हो गई है, एक में इंग्लैंड बर्तरी हासिल कर चुका है तो मैच था, क्योंकि अब जो है पाकिस्तान को सीरीज बराबर ही कर सकता है, पाकिस्तान जीत तो बिल्कुल सकता नहीं है। टीम जहाँ पे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच है उसकी सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया कि थ्रेट ऑफ द गेम्स हैं, क्योंकि वहाँ पे पहली दफा वर्ल्ड कप का एक बड़ा टाकरा होने जा रहा है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। आज कुछ ताजा खबरें हैं हम लोग जो आपको बताना चाह रहे हैं क्रिकेट के मुताबिक। सबसे बड़ी खबर तो ये है कि आज नेदरलैंड ने श्रीलंका को बीट कर दिया है, ये सबसे बड़ी शिकस्त है श्रीलंका के लिए। बड़ा सेट है कि श्रीलंका को वर्ल्ड कप बहुत करीब है और ये बहुत बहुत दिस हार्ड मोमेंट है श्रीलंका के लिए, क्योंकि नेदरलैंड एज अ बी कैटेगरी और सी कैटेगरी में आती है टीम्स में। और दूसरी बड़ी खबर जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ कि साउथ अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज से वाइट वॉश हो गई है, और साउथ अफ्रीका भी एक वेल मेंटेन टीम है जो वर्ल्ड कप के अंदर अच्छा किरदार अदा कर सकती है, वो वाइट वॉश हो चुकी है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि वेस्ट इंडीज क्या रुतबा रख रही है आने वाले वर्ल्ड कप के अंदर। मैं पूछना चाहूंगा, मेरे साथ मौजूद है मेरे बड़े अच्छे दोस्त इनाम। इनाम, आपको क्या लगता है कि वेस्ट इंडीज इस दफा जो कुछ अपना नया रूप दिखा रही है, जैसे कि अभी व्हाइट वॉश कर दिया है वेस्ट इंडीज ने, तो क्या समझते हैं आप? क्या जी, बिल्कुल काफी अच्छे प्लेयर्स उनकी टीम में निकल के आए हैं। जिस तरीके से आप देखें, ब्रेंडन किंग, केएल मेयर जो खेल रहे हैं, ऑस्टन चेज ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली है। उसके अलावा आप सबकी नॉलेज में ये बात है कि जो अभी उनका न्यू स्टार बॉलर निकल के आया शमार जोसेफ, उसने काफी बेहतरीन बॉलिंग करी है। तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वेस्ट इंडीज का होम ग्राउंड हो या कुछ भी हो, कि वेस्ट इंडीज जो है वो किसी भी टूरिस्ट टीम को जो है वो 3-0 कर देगा सीरीज। तो वेल डन वेस्ट इंडीज, और काफी अच्छे साइन है क्योंकि उन्हीं की कंट्री में वर्ल्ड कप है भी, तो गुड साइन है। लेकिन ये है कि बस पाकिस्तान से कुछ उल्टा सीधा ना करें। हाँ, ये मैं बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए इस बारे में कि पाकिस्तान इस दफा वर्ल्ड कप खेलने के लिए वेस्ट इंडीज जा रही है, वेस्ट इंडीज की अपनी कंडीशंस हैं, वेस्ट इंडीज को ये बड़ा अपनी तरफ पॉजिटिव साइन है वेस्ट इंडीज के लिए, क्योंकि पाकिस्तान कभी वेस्ट इंडीज के पीछे इस पे इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक। और दूसरी टीम्स भी मेरे हिसाब से वेस्ट इंडीज की पिचेस पे नहीं खेल पा रही थी सही, कि वेस्ट इंडीज की पिच बड़ी स्लो पिचेस होती है, स्लो पिचेस मेरे हिसाब से स्पिन बड़ा अच्छा किरदार अदा करती है। मेरे हिसाब से अगर पाकिस्तान अपना पॉइंट अगर अपने आपको सेट कर ले तो इमाद वसीम के पास एक क्रूशियल बॉलर एज ए बैट्समैन है, और ये दो तीन पॉइंट्स हैं जो अगर पाकिस्तानी टीम अगर अपने ऊपर थोड़ा सा तवज्जो दे दे तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है वर्ल्ड कप के अंदर। लेकिन ये मैं आपको खबर आज की दे रहा हूँ, जो खबरें मुझे मिल रही है कि वेस्ट इंडीज वाइट वॉश कर चुकी है साउथ अफ्रीका को, और नेदरलैंड हेड बैक कर दिया है श्रीलंका को। और अब अच्छा कल हमारा पाकिस्तान का दोबारा T20 मैच, फोर्थ T20 मैच, क्योंकि अभी दो टीम 20 मैच में दो बारिश हो गई है, एक में इंग्लैंड बर्तरी हासिल कर चुका है, तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि कल का मैच उनको जीतना लाजमी है। बारिश वाला मैच जो कल बारिश की नजर हुआ वो भी जो है वो बिल्कुल डू ऑर डाई मैच था, क्योंकि अब जो है पाकिस्तान को सीरीज बराबर ही कर सकता है, पाकिस्तान जीत तो बिल्कुल सकता नहीं है। अगर इंग्लैंड जीतता है तो इस सूरत में सीरीज जो है वो इंग्लैंड के नाम हो जाएगी, और अगर पाकिस्तान कल का मैच जीतता है जो इंशाल्लाह सबको उम्मीदें भी हैं पाकिस्तान से, तो वो सीरीज जो है वो लेवल हो जाएगी, ट्रॉफी शेयर की जाएगी। और कल के मैच के रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तक तो है वो बारिश के कोई इम्कान नहीं है, और टीम चेंजेस के हवाले से भी जो तीसरे T20 में खबरें गर्दिश कर रही थी कि ये प्लेयर जो है वो चेंज होंगे टीम में और ये प्लेयर जो है वो खेलेंगे टीम में, तो चौथे T20 मैच में भी यही प्रेडिक्शन है कि जो जैसे साइम अयूब का नाम टीम से निकाला जा रहा है। मैंने ये सुना है नाम के जी पाकिस्तान टीम कुछ तब्दीलियां करने वाली है, क्योंकि थर्ड टीम T20 तो हुआ नहीं है, मतलब फोर्थ T20 के अंदर मतलब कुछ चेंजेस हैं तब के
मुतवक्के तीसरे टी20 में जो चेंजेस थे वही चौथे में मुतवक्के हैं कि जैसे उस्मान खान को जो है वो ओपन की पोजीशन पे खिलाया जाएगा, साइन ये तो अच्छा जाएगा, ये तो अच्छा साइन। और दूसरा जो है वो आप देख रहे हैं कि काफी टाइम से शादाब आउट ऑफ फॉर्म है, बिल्कुल लास्ट मैच में भी उन्होंने 4 ओवर में विदाउट ऑफ विकेट 55 रन कंसीड किए थे, तो उनकी जगह जो है वो मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद को खिलाए जाने का जो है जो पे एक सरप्राइज साबित हो सकते हैं इंग्लैंड के बॉलर्स के लिए, क्योंकि उन्होंने इंग्लैंड ने के जो टी20 के बैट्समैन है उन्होंने काफी बैट्समैनों ने जो अभी वो अबरार को टी20 में वाइट बॉल क्रिकेट में फेस नहीं किया है। और आज की टॉप न्यूज में आपको ये दे दूं कि न्यूयॉर्क सिटी जहां पे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच है उसकी सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया क्योंकि थ्रेट ऑफ द गेम्स है, क्योंकि वहां पे पहली दफा वर्ल्ड कप का एक बड़ा टाकरा होने जा रहा है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, क्योंकि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया ऐसा मैच होता है जिसमें समझ लें मैच नहीं वो फाइनल होता है, और जिस तरीके से फाइनल से पहले फाइनल होता है पाकिस्तान इंडिया ये तो हम कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से फैंस और फैंस की इमोशंस, फैंस की फीलिंग्स और हमारे जो जितने भी पाकिस्तानी फैंस, इंडियन फैंस जो हमारी वीडियो देख रहे हैं उनकी सबकी फीलिंग्स होती हैं अपनी अपनी कंट्री के लिए, जैसे हमारी फीलिंग्स पाकिस्तान के लिए हैं और इनकी फील्डिंग इंडिया के लिए होंगी, तो इसी वजह से कुछ थ्रेट्स अमेरिका को मौसूल हुए हैं, तो अमेरिका ने न्यूयॉर्क सिटी के अंदर अपनी सिक्योरिटी थोड़ी सी बढ़ा दी है उस ग्राउंड के आते के दरमियान, क्योंकि जाहिर सी बात है हुजूम ज्यादा होगा मैच के अंदर, फैंस की एक्सपेक्टेशन तो यही है कि जितना क्राउड आप 2022 का वर्ल्ड कप भी उठा के देख लें, जो मेलबर्न में पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ था उतना क्राउड जो है वो वर्ल्ड कप के फाइनल में नहीं था जितना पाकिस्तान इंडिया के मैच में था, 92,000 जो है वो पाकिस्तान इंडिया के मैच में था और 90,000 मेलबर्न में फाइनल में था। हाँ ये तो फिर ये तो समझ लें पूरा वर्ल्ड कप का बेस्ट और बेस्ट मैच होगा, क्योंकि पाकिस्तान वर्सेज इंडिया एक दो बड़ी टीम्स हैं, दो बड़े प्लेयर्स दोबारा के 11 के 11 प्लेयर्स दोनों के साइड्स पर अच्छे हैं, साइड बैक प्लेयर्स हैं, जैसे कि उस साइड पे विराट कोहली और मेरे हिसाब से उनके तरफ से, और जो अभी तक जो मुझे लग रहा है जसप्रीत बुमराह एक अच्छा साइन उनके पास वापसी आ गए, और मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव जो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और अभी IPL के अंदर बहुत अच्छी 50 और सेंचुरियां मार चुके हैं विराट कोहली, मतलब वो अभी साइड बैट्समैन चल रहे हैं। और पाकिस्तान के पास हम देखते हैं जैसे कि बाबर आजम है जो हमारी तरफ कप्तान है जफा, और उसके बाद मोहम्मद इरफान है, फिर हमारे पास फखर जमान है जो पावर हिटिंग करना जानते हैं, उसके बाद है हमारे पास इमाद वसीम जो एक नया साइन है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास इमाद वसीम 2-3 साल से रिटायर थे, तो जब वापसी वर्ल्ड कप में आ गए हैं एक बड़ा साइन उनके पास ये, दूसरा मोहम्मद आमिर वापसी आ गए हैं वर्ल्ड कप के अंदर, तो ये भी एक नया पाकिस्तान का बेस्ट स्पेल होगा, क्योंकि नसीम शाह, मोहम्मद आमिर, हादिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी क्या कहते हैं बहुत काफी टूर्नामेंट की सबसे बेहतरीन बॉलिंग लाइनअप जो है वो अभी पाकिस्तान की है, क्योंकि जहां वर्ल्ड कप होने जा रहा है न्यूयॉर्क वेस्ट इंडीज में वहां प्रिडिक्ट ये किया जा रहा है कि टोटली जो है वो लो स्कोरिंग मैच होंगे। हाँ ये तो 150, 160, 170 इससे ऊपर कोई टीम नहीं जानी वहां पे, क्योंकि वहां की बॉलिंग पिचेस है टोटल, तो इस हिसाब से अगर आप हमारा बॉलिंग अटैक देखें तो मोहम्मद आमिर भी जो है वो काफी वेरिएशन के साथ बॉलिंग करना जानते हैं, मोहम्मद आमिर होगा, नसीम शाह भी ऑफ कटर करते हैं, स्लोअर वन करते हैं, बाउंसर करते हैं, यॉर्कर करते हैं, दूसरा हमारे पास हमारा शाहीन है, शाहीन के तो आप यही शाहीन के तो यही कह सकते हैं कि जहां जाता है शाहीन छा जाता है, अगर शाहीन इनफॉर्म हुआ, शाहीन की लाइन देख लें, लेंथ देख लें, तो काफी हद तक जो है वो स्पिनर्स को भी और फास्ट बॉलर को भी काफी हद तक सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि हमारी बॉलिंग लाइनअप इस वर्ल्ड कप में जो है वो काफी स्ट्रॉन्गेस्ट है कंपेयर टू अदर टीम्स। हाँ सही कह रहे हैं नाम, क्योंकि मुझे पता है कि मतलब 80% रेशो तो शाहीन शाह अफरीदी सॉरी जो फर्स्ट ओवर में विकेट टेक इन बॉलर हैं, बिल्कुल जो पाकिस्तान के लिए बड़ा पहला बेस्ट साइन है, उसके बाद मोहम्मद आमिर जो विकेट अगर नहीं भी लेते तो वो स्कोर को ऐसा इकोनॉमिकल स्पेल करके जाते हैं मोहम्मद आमिर के, कोई जरूरत नहीं होती कि अगर विकेट नहीं ली तो कोई बात नहीं, वो रन भी कंसीड इतने नहीं करके। उसके बाद आपके पास सीम बॉलर हारिस रऊफ एक पेस बॉलर, फिर नसीम शाह हमारे पास जो अच्छी स्विंग करना जानते हैं दोनों साइड लेग ऑफ और रिवर्स स्विंग, और जिस तरीके से उनकी गेंद घूमती है पिच पे और जिस तरीके से वो गेंद को नचाना जानते हैं, ये भी एक उनकी कला है जो नसीम शाह को आती है। नसीम शाह को पहले भी हमने बहुत सारे मैचेस में देखा है इंडिया के बड़े बेस्ट बैट्समैन, उन्होंने गेल राहुल जैसे हो गए और रोहित शर्मा हो गए, विराट कोहली हो गए, विराट कोहली हो गए, और ये जो हमारे अभी सूर्य कुमार यादव, ये इनके बेस्ट बैट्समैन को उन्होंने थोड़ा सा ना परेशान कर दिया था बॉलिंग करने बैटिंग करने पे, तो बैट पे बॉल लगाना जो उनके लिए मुश्किल हो गई थी, ये एक बहुत अच्छा साइन है पाकिस्तान के पास, और पाकिस्तान से उम्मीदें इस दफा बहुत सारी बहुत सारी उम्मीदें हैं, क्योंकि पाकिस्तान की पूरी टीम इस दफा एक यूनाइटेड हुई भी है, और इनकी जो कमेटी है PCB उन लोगों का बड़ा अच्छा एक्सपेक्टेशन पाकिस्तान से है कि इस दफा पाकिस्तान कुछ अच्छा परफॉर्म, मतलब 80-90% तो लोगों की ये सोच है कि हम लोग
वर्ल्ड कप की ट्रॉफी सब लेके आएंगे और हमारे इंशाल्लाह वही उम्मीद भी है पाकिस्तान को गुड लक कहेंगे और बाबर आजम को गुड लक कहेंगे कि वो अच्छे से अच्छा परफॉर्म वो इसलिए हमने एक्सपेक्टेशन इतनी पाकिस्तान टीम से रखी हुई है कि ये वजह आप सबको भी मालूम है कि हमारा जो 15 लड़कों का स्क्वाड वर्ल्ड कप के लिए अनाउंस हुआ है वो सारे टॉप नॉच और टॉप परफॉर्मर है सारे वो सारे बेस्ट प्लेयर हैं जो कंडीशंस को भी सूट करेंगे उनकी बॉलिंग हो या बैटिंग हो सब चीज जो है वो वहां पे जिस हिसाब से अभी प्रेडिक्ट किया जा रहा है बैटिंग को ले लें या बॉलिंग को ले लें तो बेस्ट स्क्वाड जो है वो यूएसए और क्या नाम है अमेरिका के लिए जो वर्ल्ड कप वहां होने जा रहा है तो इस लिहाज से जो है वो पाकिस्तान फेवरेट कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो फेवरेट भी है वर्ल्ड कप विन करने के लिए और पाकिस्तानी आवाम ने भी जो है पिछले वर्ल्ड कप के मुकाबले में पिछले टूर्नामेंट्स के मुकाबले में काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखी है बाबर और उसकी आर्मी से। जी ये आज की हमारे पास ताजा खबरें थी और कुछ हमने पॉइंट्स आपसे डिस्कस करिए ये इंडिया पाकिस्तान की टीम के मुताबिक जो हमें लगता है वर्ल्ड कप के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देने वाली टीम्स और ये कुछ टीम्स ऐसी हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगी जैसे कि वेस्ट इंडीज मुझे लग रहा है कि एक न्यू लुक देगी सब वर्ल्ड कप में और जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान भी एक अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा लेकिन मुझे बड़ी उम्मीद है और हमारे फैंस को बड़ी उम्मीद है इस तरीके की पाकिस्तानी टीम इस दफा यूनाइट हुई भी है कि इस दफा पाकिस्तान बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगी। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मेरे साथ मेरे दोस्त है मेरे अच्छे मिनाम इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और फॉलो अपनी आगाह से राह हमें जो है वो आगाह करें अपनी राह से कि आपको किस तरीके की वीडियो जो है कमेंट करके बताएंगे आपको हमारा रिव्यू कैसा लगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। लाइक कर दो अगर सेकंड पार्ट चाहिए तो।